दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आपके एमस्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आई एस एल 5 से जुड़े एक नए वीडियो लेकर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एफसी गोवा और केरला ब्लास्टर के दो नया साइनिंग के बारे में। तो जानने के लिए इस वीडियो को आज तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एफसी गोवा और केरला ब्लास्टर के न्यू साइनिंग के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफसी गोवा के न्यू साइनिंग के बारे में। तो दोस्तों, एफसी गोवा ने टोटल दो खिलाड़ी को पिछले कुछ दिन पहले ही साइन किया था। तो दोस्तों, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जिनको साइन किया था उनका नाम है ललथो मवाडॉल्ट, जो एक गोल कीपर है और पिछले साल नॉर्थ यूनाइटेड की तरफ से खेल चुका है और उनका मेन टीम है बेंगलुरु एफसी। नॉर्थ यूनाइटेड में लोन में आया था। तो दोस्तों, ललथो मवाडॉल्ट के बारे में आप तो जानते होंगे, और मिजोरम से बिलोंग करते हैं। उनका एज है 25 साल। और आई लीग की बात करें तो आई लीग में शिलोंग लजुंग के टीम से खेल चुके हैं। तो दोस्तों, पिछले साल तो नॉर्थ यूनाइटेड की तरफ से खेला था लेकिन उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था, और इस बार एफसी गोवा में एकदम डायरेक्ट शिफ्ट हो चुका है बेंगलुरु एफसी से। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा गोल के बारे हम उम्मीद करते हैं कि एफसी गोवा की तरफ से उनको ज़्यादा मौका मिलेगा और अपने परफॉर्मेंस दिखाने का भी मौका उनको फील्ड में मिल जाएगा एफसी गोवा की तरफ से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो खिलाड़ी साइन किया है एफसी गोवा ने उनके बारे में। तो दोस्तों, उनका नाम है निर्मल छेत्री, वो एक डिफेंडर है और सिक्किम से बिलोंग करते हैं। उनका एज है 27 साल। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे निर्मल छेत्री को। निर्मल छेत्री आई लीग में ईस्ट बंगाल की तरफ से खेल चुका है, उसके बाद डीएसके शिवाजियांस के तरफ से भी खेल चुका है। आईएसएल की बात करें तो केरला ब्लास्टर की टीम से खेल चुके हैं और पिछले साल नॉर्थ यूनाइटेड की तरफ से खेला था निर्मल छेत्री। तो दोस्तों, निर्मल छेत्री का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है फील्ड में, जो एफसी गोवा के लिए कारगर साबित हो सकता है आईएसएल 5 में। तो दोस्तों, ये तो गया एफसी गोवा का दो न्यू साइनिंग के बारे में बातचीत। अब हम चलिए बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर के न्यू साइनिंग के बारे में। तो दोस्तों, केरला ब्लास्टर ने एक नया विदेशी खिलाड़ी को साइन किया है, जो एक फॉरवर्ड है और जबरदस्त खिलाड़ी है। स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है मतेज पोपलटनिक। तो दोस्तों, अच्छा फॉरवर्ड खिलाड़ी है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि केरला ब्लास्टर पिछले कुछ दिनों से फॉरवर्ड खिलाड़ी को ही साइन कर रहा है, यानी कि अपना जो अटैकिंग पॉइंट है वहां पर जोर दे रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं मतेज के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि बताया, स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं और अच्छा एक जबरदस्त स्ट्राइकर है। तो दोस्तों, इनकी क्लब करियर की बात करें तो स्लोवेनियन जो प्रीमियर टूर्नामेंट होता है उसका एक टीम है ट्रिग्लव क्रंच। तो दोस्तों, ट्रिग्लव क्रंच से भी खेल चुका है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका लास्ट सीजन में, यानी कि लास्ट जो उनका सीजन गया वहां पर उन्होंने टोटल 68 मैच में 46 गोल लगाया। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर उनका, और उसको देखते हुए केरला ब्लास्टर उनको अपने टीम में शामिल किया है ताकि उनका जो अटैकिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, इनके अलावा एक और स्लोवेनिया क्लब है वहाँ से भी खेल चुका है जिसका नाम है मोंटाना। तो दोस्तों, बेसिकली ट्रिग्लव क्रंच से ही खेला था मतेज ने। तो एक अच्छा साइनिंग है केरला ब्लास्टर की तरफ से, जो आईएसएल 5 में केरला ब्लास्टर के लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ला सकता है और उनको आईएसएल के फाइनल में भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा साइनिंग किया है दोनों टीमों ने। तो इतना ही जानकारी था न्यू साइनिंग के बारे में इन दोनों टीमों के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह के इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में पता चला। आईएसएल 5 से जुड़े मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अलविदा।